हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा खिलौने मांगते हैं या कोई ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो हमें देनी चाहिए या नहीं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब लोग बिलीव करते हैं, एटलीस्ट इंडिया मिडिल क्लास वाले तो हम लोग सब यही बिलीव करते हैं कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन में रखना चाहिए, उनको डिसिप्लिन में रखना चाहिए, अदरवाइज़ उनको हर चीज़ टेक फॉर ग्रांटेड लगने लगती है, वो उसको कम वैल्यू करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरा बेटा 5 साल का था तो उसको एक एवेंजर्स का सेट चाहिए था। हम लोग शॉप पे गए थे तो उसको एवेंजर्स का एक सेट बहुत ज़्यादा पसंद था, वो थोड़ा कॉस्टली था। मैं उनको 200-250 तक के गिफ्ट मतलब गेम खरीद के दे देती थी, टॉयज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट दिस वॉज रियली कॉस्टली, गोइंग इन टू 100,000s, 1500। तो ही वॉज़ रियली वॉन्टिंग इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा नया एवेंजर्स का सेट आया था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आपका बर्थडे आ रहा है, इट्स सून, 8 मंथ्स में बर्थडे है, तब हम लेके देंगे। बिकॉज आई मेरा सिर्फ एक ही था कि मैं उसको वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ ये सिखाऊँ कि बेटा ये बहुत महंगा है, ये हम आपको आपके बर्थडे पर लेके देंगे। तो उसने कहा मम्मा मेरा मन है, मन है, उसने 2-3 बार कहा। 5 साल का था शायद, आज वो 10 साल का है, आज वो इतना भी ना कहे, लेकिन तब उसने 2-3 बार कहा ज़रूर। और मैंने फिर भी उसको समझा दिया कि देखो ये महंगा है, मम्मा इतने पैसे नहीं लाई हैं। वैसे मैं जाके ला के दे सकती थी उसको, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि आपके बर्थडे पे ही हम इसको लेंगे। हम लोग आ गए और उसका बर्थडे आया, तो 8 महीने बाद उसका बर्थडे आया, वो भूल चुका था कि उसने क्या मांगा था और मुझे याद था। आयरनी देखिए, वो भूल चुका था बच्चा। मैंने उसको कहा कि तुम्हें एवेंजर का वो सेट चाहिए था ना, उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा हाँ मम्मा वो, मैंने कहा चलो वो दिला दे बर्थडे पे, तो उसने कहा कि मम्मा वो तो मेरा इतना मन नहीं है, मैं एक अच्छे कलर्स ले लूँगा। तो मैंने उसे कहा पर आपका तो बहुत मन था, मम्मा दिला देगी, हमने पैसे इकट्ठे किए हैं ना, ऐसे ऐसे करके मैं उसको समझाने लगी। तो उसने कहा मम्मा मेरा इतना मन नहीं है, बाकी आप देख लो। लेकिन अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए शायद मैं उसको लेके गई टॉय स्टोर तक, मैंने उसको वो दिलवाया, वो खुश भी हुआ बट वो उतना खुश नहीं था जितना शायद वो उस दिन होता जब मैंने उसको अगर 8 महीने पहले वो गिफ्ट दिलाया होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ इस एग्जांपल से कि उस दिन मेरी सोल बहुत स्ट्राइक हुई। मेरी सोल, जिसे कहते हैं ना सोल स्टरिंग मोमेंट, वो था मेरे लिए कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज 10 साल पे, 5 साल पे अगर उसको एवेंजर्स का सेट चाहिए तो 10 साल पे कोई अच्छा फैंसी ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए होगा, 15 पे उसको शायद कोई अच्छी डोमिनो में अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहेगा, 20 में शायद वो किसी लड़की का फ़ोन नंबर जानना चाहेगा, 25 पे शायद वो चाहेगा कि वो जिसको लाइक करता है वो उसको मिल जाए शादी के लिए। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं उस लड़की का प्यार उसको वापस दिलवा पाऊँ रिवर्स में। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, आज उनकी चाहतें बहुत छोटी हैं, बहुत मामूली हैं, और बड़े होकर हो सकता है आप उनकी बहुत सारी चाहतें चाहकर भी ना पूरी कर पाएं, सिर्फ इसलिए कि आप उनको अनुशासन में रखना चाहते हैं, वैल्यू सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ बहुत ऊंचा बनाना चाहते हैं। ये सब सिखाकर हम उनका अगर बचपन छीन रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि इसमें मैं एक तर्क ज़रूर आपको ये देना चाहती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशें बहुत सस्ती होती हैं। जैसे जैसे हम ख्वाहिशें तो महंगी हम बड़ों की होती हैं, उनकी ख्वाहिशें बहुत सस्ती होती हैं। आई एम श्योर कि आप लोग उसको या उसका कोई वेरिएंट ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, कि जो बच्चे हैं इनको आज जो चाहिए ना और आपने दिला दिया, तो उनको याद नहीं रहता आपने क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे दिलाया, क्योंकि बच्चों की इतनी मेमोरी नहीं रहती कि उन्हें एक एक गिफ्ट याद रहे। तो वो सब जो आप अनुशासन के लिए आज उनका मन तोड़ रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें एक्चुअली उनको याद भी नहीं रहने वाली। आप देखिए कि 8 मंथ्स तक भी मेरे बेटे को याद नहीं था, 8 मंथ्स बाद तक भी उसको याद नहीं था कि उसने क्या मांगा था। तो ये सारे एफर्ट्स आई थिंक वेस्ट हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, समय बदल रहा है, ये बच्चे आपकी उंगली हाथ छोड़कर बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी राह पे चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए उन लोगों का बचपन मत छीनिए, क्योंकि परफेक्ट लाइफ वही होती है जो हर एंगल से इम्परफेक्ट होती है। इस चीज़ को आप समझिए, खुद भी एक इम्परफेक्ट लाइफ जीना शुरू कीजिए और बच्चों को भी जीने दीजिए। और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि समय बदल रहा है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है,
इस दुनिया में सिवाय मूवमेंट के, सिवाय चेंज के, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके हाथों से वो बच्चे छूट जाएंगे मासूम, वो अपनी अपनी दिशाओं में चले जाएंगे। आप फिर भी उस शॉप से गुजरेंगे ज़रूर, और वो एवेंजर्स आपको फिर भी दिखेंगे, वो ज्योमेट्री बॉक्स आपको फिर भी दिखेंगे, और मन में शायद कहीं आप एक कशिश महसूस करेंगे, आप कहीं एक वो हल्का सा वो मोमेंट फील करेंगे जब आप ये सोचेंगे कि काश मैंने अपने बच्चे को वो उस समय दिला दिया होता। आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि जो बच्चे मांगते हैं वो दिला दो, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा देखा जाता है कि जब छोटी छोटी इच्छाएँ पूरी रहती हैं, होती रहती हैं ना, तो बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा एक अभाव वाला चीज़ फील नहीं होती है। तो आप ये समझिएगा ज़रूर कि समय रहेगा, वो दुकानें भी रह जाएंगी, वो टॉयज़ भी रह जाएंगे, पर बच्चे आपके हाथ से हाथ छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर बच्चों को ही क्या, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आज आपकी मदर, आप मैरिड हैं और आपकी मदर साथ रहती है, वो चाट खाना चाहती है आज ही गोलगप्पे खिला के लाएँ, आपके पापा को नया चश्मा चाहिए तो उनको पूछने से पहले आप उनको दिला कर लाएँ, आपका बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसको दे कर आएँ, अगर आपकी वाइफ को कोई चीज़ चाहिए तो इससे पहले कि कोई देर हो जाए आप उसको ज़रूर, आप अपने आसपास जहाँ तक आपको कोशिश कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य चाहती है, आप सबकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करें, क्योंकि ज़िंदगी हर पल बढ़ती जा रही है और कभी मन में जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे बढ़कर आप उस ज्योमेट्री बॉक्स पे, उस एवेंजर्स की शॉप पे रुके और आपको ये लगे कि काश मेरी जेब में पैसे भी थे और मुझे ये दिला देना चाहिए था। थैंक यू।